सिवनी मालवा ग्राम रोजगार सहायक सचिव कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर जनपद कार्यालय में दिया ज्ञापन। कर्मचारी संघ की मांग है कि ग्राम रोजगार सहायकों ने शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है, परंतु अब सरकार संघ की अनदेखी कर रही है। सहायक सचिव कर्मचारी संघ ने कहा कि सरकार उनका साथ दे रही है जिन्होंने सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलन किए। उनके हित में महापंचायत बुलाकर एवं घोषणाएं कर उनके हित के आदेश जारी कर दिए, लेकिन संघ के साथ सरकार के द्वारा सोतेला व्यवहार किया जा रहा है एवं हीन भावना से देखा जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर हमें 13 मई तक नियमितीकरण एवं वेतन वृद्धि के आदेश नहीं दिए जाते हैं तो 15 मई से ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे एवं जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। ये रोजगार सहायकों की नियमितीकरण का ज्ञापन दिया गया है जो मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है। जी, क्या मांगे हैं? ये नियमितीकरण की मांगे हैं मध्य प्रदेश शासन की समस्त योजनाओं को धरातल पर कार्य करने के लिए। हमारे रोजगार सहायक पंचायत एवं ग्रामीण विकास में पूरी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन अन्य विभागों को नियमितीकरण की मांगों को लेकर 11 तारीख को शिवराज सिंह जी महापंचायत बुलाए हैं, जिसमें रोजगार सहायकों का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। शासन को अपनी नियमितीकरण की मांगों को लेकर उन्हें जगाने, उन्हें बताने के लिए हम आज 9 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉकों में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो 15 मई से पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक 23,000 पंचायतों में लेके मजदूर संघ को साथ में लेके कलमबंद हड़ताल करेंगे। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के संसदीय क्षेत्र की रोड की बुरी हालत है। 2 साल से आश्वासन के सहारे बन रहा है रोड। आपको बता दें कि इंदौर जिले का सांवेर गौतमपुरा रोड जो इस समय बुरी तरह से खराब हो चुका है, उसकी हालत काफ़ी दयनीय है। जिस रास्ते को पार करने में 15 मिनट लगते थे वो अब 1 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। इंदौर जिले का सांवेर गौतमपुरा रोड जो इस समय बुरी तरह खराब हो चुका है, जी हां, बात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के संसदीय क्षेत्र एवं सांवेर क्षेत्र के विधायक राजेश सोनकर की विधानसभा की। सांवेर गौतमपुरा रोड की इस समय बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। जबकि इसी क्षेत्र में लोकसभा स्पीकर द्वारा गोद लिया एवं गांव पोटलोद भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी सुमित्रा महाजन का रोड भी और कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस रोड को लेकर क्षेत्रीय विधायक राजेश सोनकर को ग्रामीणों द्वारा कई बार कहा, लेकिन विधायक द्वारा एक ही आश्वासन दिया जा रहा है कि काम शुरू होने वाला है, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। जबकि टेंडर की सारी प्रतिक्रिया भी पूरी हो चुकी है, अब तो ग्रामीण का विश्वास भी सरकार के प्रति नकारात्मक नजर आने लगा है। चंद्रावंतीगंज से संतोष व्यास की रिपोर्ट। बताइए कितने किलोमीटर का रोड है और किस प्रकार दिक्कत है? 20 किलोमीटर की बहुत दिक्कत आ रही है। कितना समय लगा आपको आने में? 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लगा, मतलब 10 मिनट का रास्ता और आपको 1 घंटा लगा। वो गाड़ी में कुछ परेशानी वगैरह दिक्कत है? दूसरे गियर भी चल रही गाड़ी, महिला बच्चे वगैरह सारे परेशान होते हैं। कौन है यहाँ के सांसद? कौन है सुमित्रा महाजन? सुमित्रा महाजन विधायक, इनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा सारा पर, ये इस रोड पे दिया जा रहा है, बाकी काम हो रहा है, बाकी काम हो रहा है इस रोड पे। सुमित्रा महाजन का संसदीय क्षेत्र है, उनकी संसदीय क्षेत्र की रोड की हालत खराब है। गोदलिया गांव है, पोर्टलो पे। गोदलिया गांव यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? क्या कितने किलोमीटर दूर है गोदलिया गांव? ये 2 किलोमीटर अंदर। अच्छा, 2 किलोमीटर अंदर है, वहाँ पर 15 मिनट के रास्ते में 1-1 घंटा लग रहा है, सारे लोग परेशान है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजेश शिरोडकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने जिन्ना संबंधी कोई सेमिनार करवाने पर कुलपति को चेतावनी दी है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को देशद्रोही बताया है जो कल कुलपति को जिन्ना के लिए एक सेमिनार करवाने का दबाव डाल रहे थे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कैंपस में नगर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने कुलपति नरेंद्र ढाकर का घेराव करके जमकर नारेबाजी की। ये नेता कल कांग्रेसी नेताओं द्वारा जिन्ना सेमिनार करवाने का विरोध कर रहे हैं। कल सुनवाई के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी महामंत्री विनय खंडेलवाल ने आकर जिन्ना पर सेमिनार करवाने की मांग की थी। इसी प्रतिक्रिया के खिलाफ बुधवार को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे ने अपना मोर्चा संभाला। ये सभी नारे लगाते हुए बोले कि ऐसे देशद्रोहियों को यूनिवर्सिटी में घुसने ही ना दिया जाए। उन्होंने कुलपति से मिलकर ज्ञापन दिया और कुलपति ने आश्वासन दिया कि ऐसी कोई नाजायज मांग मानी नहीं जाएगी। ये सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाते हुए विदा हुए। इंदौर से आशीष जाधौन की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ता बेसबॉल के डंडे लेकर यूनिवर्सिटी गेट तक नजर आ रहे हैं।
देखिए किसी के पास गड्ढे नहीं है, वहाँ से गड्ढे बनाया उसी कैंपस में हमारी बस गड्ढे नहीं है और सभी ने नारेबाजी करते। MY हॉस्पिटल में डॉक्टर गर्मियों की छुट्टियों पर गए हैं और उनका कोई विकल्प ना रखे जाने पर मरीजों की दुर्गति हो गई है। ऑपरेशन के लिए मरीज को 15 से 20 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी लाइनों में घंटों लगे मरीज गश खाकर गिर रहे हैं, लेकिन जवाबदेह बहानेबाजी कर पल्ला झाड़ रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों पर पर्यटन पर जाने का हक सभी को है, MY अस्पताल के डॉक्टरों को भी, लेकिन जब बड़ी संख्या में डॉक्टर छुट्टियों पर चले जाएं और विकल्प नदारद हो तो मरीजों की क्या गत होगी, भगवान ही मालिक है। मई जून में MGM मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स के समर वेकेशन का चलन है। मई की शुरुआत में कई डॉक्टर छुट्टी पर चले गए और गर्मी के मौसम में मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में लंबी वेटिंग चल रही है। इसी कारण सर्जरी रूटीन ऑपरेशन के मरीजों को वार्ड में भर्ती के लिए 15 से 20 दिन बाद आने को कहा जा रहा है। इमरजेंसी केस के मरीजों को ही भर्ती कर एक सप्ताह का नंबर दिया जा रहा है। इंदौर से आशीष जाधव की रिपोर्ट। किसी में जैसे गले में दिक्कत है, किसी का पेट में दिक्कत है, किसी को और इस तरीके के चीज़ें रहती हैं, तो हमें चूँकि वर्कलोड ज़्यादा रहता है और बच्चों का साइज़ छोटा होता है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हम मना नहीं कर सकते हैं, उनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो एक बिस्तर पे दो या तीन बच्चे लेट सकते हैं और लेटते हैं, तो ये चीज़ें हमारे वर्कलोड की वजह से हैं। और आगे चल के हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि उसके लिए हम बेड की और स्ट्रेंथ बढ़ाएं, ये हमारे प्रोसेस में है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं MGH अस्पताल लगभग बन के तैयार है, हम अगले महीने तक वो हमको मिल जाएगा, तो हम लोग गायनी डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो अगर गायनी शिफ्ट हो जाएगा तो एक फ्लोर मेरे पास होगी, तो जिसमें हम इस तरीके की चीज़ों को जो बच्चों के लिए बाढ़ है उसको विस्तार से। सर अपने अभी डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स भी काफ़ी मात्रा में छुट्टी पर हैं। देखिए शासन के नियमों के तहत चूँकि ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है, तो उस अवकाश के दौरान फैकल्टी के जो लोग हैं वो छुट्टी पर रहते हैं। उसका छुट्टी पे कौन जाएगा, कौन कितने दिन की जाएगा, वो विभागाध्यक्ष द्वारा नोटिफिकेशन करते हैं वो लोग, जिससे कि विभाग में दिक्कत ना हो, विभाग चलता रहे, और फिर भी चूँकि उनका अधिकार है छुट्टी का तो वो छुट्टी उनको दी जाती है। ये चीजें डीन ऑफिस से कंट्रोल होती हैं और उन्हीं। राज्य सिलाई कला मंडल गंज बासुदा द्वारा सिलाई को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, यह बात संस्था अध्यक्ष सुनील महेश्वरी ने पत्रकार वार्ता में कही। मध्य प्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल के अध्यक्ष सुनील महेश्वरी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिलाने जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि सिलाई कार्य करने वालों को रोजगार मिल सके और साथ ही जो ये कार्य छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर रोजगार स्थापित कराया जाएगा और साथ ही प्रदेश का दौरा कर सिलाई कार्य के दौरान जमीनी स्तर पर आने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ अमित अग्रवाल, मनोज नामदेव, दीपक नामदेव, दशरथ नामदेव, जगदीश नामदेव, राम सेवक नामदेव, जितेंद्र नामदेव सहित भारतीय जनता पार्टी एवं नामदेव समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। अब जैसे ही हमें समय मिलेगा हम पुनः एक बार और हमसे आग्रह करेंगे, क्योंकि निश्चित ही हमारे हमेशा पत्रकार साथियों को मेरे पूर्ण सहयोग रहा, कहीं ना कहीं पत्रकार साथियों के सहयोग के कारण इस पद पर पहुँचा हूँ और जो पत्रकार साथियों का वो हमेशा साथ दूंगा और हमारी दर्जी समाज के कल्याण के लिए हम मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः अनुरोध करेंगे कि हमारी नामदेव समाज का दर्जी समाज, इसमें भावसा समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, पूरी छिपा दर्जी समाज सहित पूरे हम सर्वदर्जी समाज के घर पर पंचायत बुलाए, जिससे हम समाज के कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजना बनाए जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो। शासकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय सिरोंज में अव्यवस्थाओं का अंबार है। कल छात्राओं ने स्वयं फोन करके जल की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन आज फिर महाविद्यालय में पानी की अव्यवस्थाएं देखने को मिली। सिर्फ 5 कंटेनर सुबह शिफ्ट में मंगाए गए थे जो कि खत्म हो गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 कंटेनर में से 2 कंटेनर स्टाफ ने उठाकर रख लिए। जब छात्र स्टाफ रूम में पानी पीने के लिए जाते हैं तो शिक्षक मना कर देते हैं। मना करने के बाद जब छात्रों ने मटके में भरा हुआ पानी पिया तो उसमें से मच्छर डले हुए थे और चींटियां भी थी। जब कॉलेज प्रशासन कंटेनर मंगा रहा है तो मटकों में गंदा पानी क्यों रखा जा रहा है, इससे तो और गंदगी फैलेगी। महाविद्यालय में प्राचार्य का कोई महत्व नहीं है। जब छात्र परेशान हो रहे हैं तो सुनने वाला कोई भी नहीं है।
महाविद्यालय में पूरा स्टाफ मनमर्जी कर रहा है, बस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि छात्रों का पैसा है तो उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो, पानी तो मंगवा सकते हो, कब तक छात्र व्यवस्था करेगा। आज विद्यार्थी परिषद नारेबाजी करते रहा, ना प्राचार्य का पता था और ना बाबूजी और ना कोई स्टाफ का। शासकीय महाविद्यालय में सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। सिरोंज से अब्दुल अलीम की रिपोर्ट।